नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक किसान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें हमारे किसान भाइयों गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करते हैं या बारिश ऋतु में मूंग की खेती करते हैं तो उसमें पीलापन की समस्या आती है, तो इसको किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, इसके फैलने का क्या कारण है, यह फैल जाता है तो इसके लिए कौन सी दवाई टेक्निकल का प्रयोग करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए वीडियो। तो किसान भाई, मूंग के फसल में पीलापन भी बोलते हैं, बहुत सी जगह पीलिया भी बोलते हैं और पीला मोजक की भी बोलते हैं। इसके आने के मुख्य कारण की बात करें तो यह आपको अपनी मूंग की फसल में, जैसे कि इसमें यदि आपकी मूंग की फसल में यह इस वायरस के अटैक करने के सबसे मुख्य कारण है कि यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा ही फैलता है और पत्तों के सिकुड़ने का कारण। और यदि आपके खेत में जैसे कि ज़्यादा खरपतवार होगा तो उससे भी सफ़ेद मक्खियों का अटैक ज़्यादा होगा और जिससे कि यह वायरस सबसे पहले तो हमारी मूंग की फसल में बहुत कम जगहों पर दिखाई देता है और बाद में इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह अपनी फसल में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और फिर यह ज़्यादा होने के कारण यह पत्तों के फूल नहीं निकल पाते सही से और उत्पादन भी कम होता है, इससे हमारे उत्पादन पे बहुत भारी असर पड़ता है। इसलिए इसको समय रहते कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम इस वीडियो में आपको दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मक्खियों के बारे में और इन सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए आपको इमिडा क्लोरोपिट 17.8% SL आती है, इसका प्रयोग करना है। यह आपको बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो इसका टेक्निकल नाम और इसकी डोज मात्रा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और अब बात करते हैं हम फंगस और पीलापन जो अभी हमारे मूंग के फसल में आ गया है, इसको किस प्रकार रोके तथा इस पर पत्तों पर धब्बे होना काले कलर के, इसको किस प्रकार कंट्रोल करें। तो सबसे पहले तो आपको अपने मूंग के फसल में सिस्टोमेटिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का प्रयोग करना होगा। जैसे कि आपके मूंग के फसल में आप जैसे यदि ज़्यादा मात्रा में पीलापन या पत्तों पर पीलापन की समस्या है तो आप इसमें आप एक्जोस्ट्रोबिन के साथ टेबुकनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, इसका प्रयोग कर सकते हो। ये आपको मार्केट में नीचोन की सान के नाम से भी मिलता है और एडामा की कस्टूडियो के नाम से मिलता है, बहुत सी कंपनियां इस टेक्निकल को बनाती है। इसकी मात्रा डोज के बारे में बात करें तो इसको आपको 15 लीटर की टंकी है तो आप इसमें 30 ml का प्रयोग कर सकते हो और यदि आपके पास 20 लीटर की टंकी है तो 40 ग्राम, मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि 1 लीटर पानी में आपको 2 ml का प्रयोग करना है इस दवाई का। तो आप इन दवाइयों का प्रयोग कर लेते हो तो आपके मूंग की फसल में यह पीलापन और मक्खियों का अटैक ख़त्म हो जाएगा। इल्लियों की दवाई पत्तों पर छिद्र हो रहे तो वो अलग बात है, उसके लिए आप इल्ली की दवाई का प्रयोग करना होगा जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम में आप मूंग की बुआई करते हो तो गर्मी के मौसम में बहुत से टेक्निकल सही से काम नहीं कर पाते हो, तो कौन से करते हैं वो हम अगले वीडियो में आपको सही सटीक जानकारी बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने अन्य किसान भाइयों तक जानकारी को शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।